प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कल बाराबंकी में देवा मत्स्य आहार प्लांट फीड मिल का निरीक्षण किया। इस प्लांट के निरीक्षण के दौरान मत्स्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार आने से पहले देश और प्रदेश में परंपरागत तरीके से मछली का व्यवसाय होता था, जिसकी वजह से मछुआरे समृद्धशाली नहीं हो पाते थे। अब भाजपा सरकार आधुनिक तरीके से मछुआरों को साथ लेकर आ रही है। सभी मछुआरों को हाईटेक बनाया जा रहा है और योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश के अलग अलग जिलों में निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे यह पता चल सके कि सरकार से अनुदान लेकर लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, योजनाएं धरातल पर हैं और मछुआरों के लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जहां भी योजनाओं में कमी मिलेगी उन्हें दूर किया जाएगा। सामान्य पुरुष के नाम से 40% सब्सिडी है, ऐसे में उन्हें वित्तीय अनुदान देकर इस मत्स्य क्षेत्र में एक तो प्रोडक्शन के उत्पादन के क्षेत्र में, एक तो उनके उत्पादन में आने वाले जो असिस्टेंट जो एसेसरीज हैं, जैसे उसके फिश फीड्स है या फिश मार्केटिंग के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्रों में हम लोग कई 25 प्रकार की योजनाएं हैं, उसमें हम लोग सब्सिडी दे के काम कर रहे हैं। उसमें एक ये है देवा फीड फ्री है जो इनके मत्स्य ऐसा हम बड़ी बड़ी योजनाओं को देखने के लिए इसलिए निकल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं क्या वो धरातल पर हैं कि नहीं है, क्या वो मछुआरों के लिए कारगर हैं कि नहीं है। अगर योजनाएं कारगर हैं, जो योजनाएं कारगर होगा उसमें हम प्रोत्साहन देंगे, उसमें ज्यादा करेंगे। जो योजनाएं नहीं रहेंगी उसे देखा जाएगा, जो कमी उसे